हेलो एवरीवन होप ऑल ऑफ यू आर फाइन वेलकम टू लेम्स स्लाइडन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज आई एम सुंदेश खान योर लेक्चरर फॉर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेकंड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ओके टुडे वी विल डिस्कस विक्टोरियन एज बेटा आप लोगों की जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेकंड है उसमें जो आपकी एज रिमेनिंग थी जो आपकी एज रह गई थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर आपकी सबसे पहले जो एज है जो हमने डिस्कस करनी है वो है विक्टोरियन एज विक्टोरियन एज में फर्स्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगी विक्टोरियन एज का मींस के मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन आपके लिए क्रिएट कर दी है जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे विक्टोरियन एज के वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई भी पॉइंट हमारा मिस हो जाता है तो भी आपके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो इंपॉर्टेंट आपके वर्कस थे वो आपको पता हो किस डेट पर हुआ किस टाइम हुआ और किस तरह से हुआ फर्स्ट हम लोग यही डिस्कस करेंगे सबसे पहले है टाइम ड्यूरेशन विक्टोरियन एज की तो वो एटीन से लेकर नाइनटीन 01 तक की जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं विक्टोरियन एज अगर अब हम नाम को डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज को हम लोग विक्टोरियन एज क्यों कहते हैं तो इसलिए क्योंकि एटीन में बर्थ हुई थी विक्टोरिया की जिसे हम कोइन विक्टोरिया कहते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोइन विक्टोरिया की डेट ऑफ बर्थ बताएं तो आप लोग बता सकते हैं एटीन 1819 है डेट ऑफ़ बर्थ ऑफ़ क्वीन विक्टोरिया ठीक है 1837 से हमारी विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है यहाँ मैंने आपको डेट ऑफ़ बर्थ बताई है जस्ट फॉर योर नॉलेज वरना हमारी जो विक्टोरियन एज है वो 1837 से स्टार्ट हो रही है और ये क्यों विक्टोरियन एज कहलाती है इसलिए क्योंकि इस एज में यानी कि जो हमारी विक्टोरियन एज जिसे हम नाम दे रहे हैं जिस टाइम ड्यूरेशन को उस ड्यूरेशन में जो क्वीन थी उनका नाम था विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया ने एटीन में जो है वो सक्सीड uh, किया था अपने अंकल विलियम फोर को और तब उनकी एज थी 18 इयर्स यानी कि बहुत यंग थी क्वीन विक्टोरिया जिस टाइम उन्होंने जो है आप कह सकते हो कि जो एक क्वीन का टाइटल जो था वो उन्हें दिया गया और उन्होंने जो थॉर्न है वो यानी कि आप कह सकते हो कि जो आ, उनको जो आप कह सकते हैं कि एक रूलर का जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ uh, जो है वो संभालनी पड़ी थी अच्छा 1837 में दो इंपॉर्टेंट काम हुए थे नंबर वन कि क्वीन विक्टोरिया को क्वीन बनाया गया था नंबर सेकंड और उस टाइम उनकी एज थी 18 इयर्स ये या आप याद रखेंगे कि क्वीन विक्टोरिया जब क्वीन बनी थी तो उस टाइम उनकी एज थी 18 इयर्स अच्छा नंबर सेकंड है डिकेंस चार्ल्स डिकिन्स हमारे राइटर हैं बहुत फेमस राइटर हैं इनके जो हैं दो आपके नॉवल्स इनके नॉवल्स आप इस टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन में आए थे 1837 में एक है पिकविक पेपर्स और नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट ये दोनों नॉवल्स ही बहुत फेमस हैं ठीक अब हम नेक्स्ट चलते हैं एटीन 1844 में क्या हुआ था 1844 में जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है आयरिश पोटैटो फेमाइन फेमाइन का मतलब होता है कहत ठीक है ना आपको पता ही है कहत साली वगैरह जो होती है उसे हम कहते हैं फेमाइन अच्छा इसको हम लोग आयरिश पोटैटो फेमाइन भी कहते हैं जो एटीन में हुआ था या फिर हम इसको सेकेंड नाम जो देते हैं वो ग्रेट हंगर यानी 1844 में ग्रेट हंगर जो है ये स्टार्ट हुई थी और ये 1845 तक जो है ये 45 में इसका जो नाम 1845 में जो है वो आप कह सकते हो कि ग्रेट हंगर हुई थी ठीक है 1844 में इसको जो नाम दिया गया था, था वो था आयरिश पोटैटो फेमाइन और जब हम 1844 से आगे 45 तक चलते हैं तो जो इस फेमाइन की जो स्टेज हुई थी उसे हम कहते हैं ग्रेट हंगर या आप इसे पोटैटो फेमाइन को भी ग्रेट हंगर कह सकते हो ये दोनों जो है एक ही चीज़ के नाम है इसमें हुआ ये था कि पोटैटो को एक फंगस लग गया था पोटैटो को आप लोगों को पता है एक फंगस लग गया था उसको एक यानी कि एक फंगस लाइक -like ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया था पोटैटो की कॉप्स को जिसकी वजह से जो आयरलैंड के अंदर जो भी पोटैटोस थे यानी कि जितनी भी वो फसल थी जितना भी वो जो आप कह सकते हो उस साल जितने भी पोटैटो की हुई थी जो फसलें लगाई गई थी उनमें से वन हाफ जो थी यानी कि आप कह सकते हो कि हाफ जो थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी खराब हो गई थी और इसके अलावा जो उसका मतलब कि थ्री क्वार्टर आप कह सकते हो कि यानी कि बहुत नेक्स्ट ईयर्स में भी जो पोटैटो की फसल आई थी वो भी बहुत कम तादाद में आई थी इसी फंगस की वजह से ठीक है नेक्स्ट ईयर्स तक और ये थ्री फोर सेवन ईयर्स तक आई थिंक ये जो है पोटैटो की जो फसल खराब रही थी ये इतने अर्से तक खराब रही थी तो अब आपको 1844 का पता चल गया कि आयरिश पोटैटो फामाइन और ग्रेट हंगर जो है इस ए, साल हुआ था और इस साल यानी कि जो आलू की फसल थी वो आधी से ज़्यादा ख़राब हो गई थी आयरलैंड की और उसके बाद भी काफ़ी सालों तक जो है ये जो फंगस था ये ख़राब करता रहा था फसलों को अच्छा जी 1847 की जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है या 1847 में जो एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ था वो है एमिली ब्रोंटे हैं आपकी नॉवलिस्ट हैं ये फीमेल नॉवलिस्ट हैं और इनका नॉवल है वदरिंग हाइट्स ये बहुत ही फेमस नावल है ये इन्होंने पब्लिश किया था नेक्स्ट इज़ शार्लेट ब्रांटे इनका नावल है जेन आयर ये इन्होंने पब्लिश किया था तो ये जो दो नावलिस्ट हैं देखें दोनों के नाम के आगे ब्रांटे लग रहा है ये थ्री सिस्टर्स हैं इनको ब्रांटे सिस्टर्स कहा जाता है ठीक है तो ये जो है 1847 में इमिली ब्रांटे ने और शार्लेट ब्रांटे ने अपने जो है नावल्स वो पब्लिश किए थे और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल्स हैं अगर अब हम लोग एटीन की तरफ़ जाएँ तो 1848 में जो आपके एक ग्रुप काइंड मतलब के बनाया गया था एक ग्रुप ग्रुप जो है वो क्रिएट किया गया था उसे दिया गया है नाम प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इसमें क्या हुआ था प्री राफेलाइट ब्रदरहुड में जो लोग थे ना बेटा वो थे इंग्लिश पेंटर्स पोइट्स और आर्ट क्रिटिक्स यानी कि क्रिटिक्स थे इस ग्रुप में इसमें पेंटर्स थे और इसमें थे पोइट्स अच्छा अब ये ग्रुप फाउंड किया गया था 1848 में इसको जिसने बनाया था उसका नाम है विलियम होलमैन हंट विलियम होलमैन हंट ने यह क्रिएट किया था ग्रुप अब इस ग्रुप का काम क्या था ये देखें इनका नाम ही आप देखें इनका नाम है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इसमें क्या था इसमें यह था कि ये अपने आप को प्री रफेलाइट ब्रदरहुड इसलिए कहते थे क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते थे अपनी प्रेफरेंस को यानी कि अपनी ये दिखाते थे कि हमें किस चीज़ की प्रेफरेंस है हमें क्या चीज़ पसंद है वो इन्हें पसंद था या इनकी प्रेफरेंस जो थी वो लेट मिडिवल और अर्ली रिनाइसेंस का जो आर्ट था यानी कि बिफोर रफेल बिफोर रफाइल जो आर्ट आया था जिसने इन्फ्लेंस किया था जॉन रस्किन को भी जो हमारे क्रिटिक हैं उनको ये जो है वो प्रेफर करते थे उन इनकी प्रेफरेंस वही थी इनकी प्रेफरेंस थी बिफो आप कह सकते हैं लेट मिडिवल लिटरेचर और रिनाइसेंस का जो लिटरेचर था वो लिटरेचर और इसीलिए अपने आप को जो इनका नाम इन्होंने दिया था वो प्री रफेलाइट ब्रदरहुड था ओके okay, फिर जो हमारे पास एक 1848 की सबसे इम्पॉटेंट चीज़ आती है ये रफेलाइट ग्रुप ब्रदरहुड के जो ग्रुप था इसके बाद जो था जो जो चीज़ 1848 में हुई थी सेकंड जो इम्पॉटेंट इवेंट हुआ था 1848 का वो था हमारे दो फ़िलासफ़र्स हैं एक का नाम है कार्ल मार्क्स यानी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिखा है उसका कम्प्लीट नाम है कार्ल मार्क्स और दूसरा जो हमारा फिलासफर है उसका नाम है फ्रेडरिच एंजल्स फ्रेडरिच फ्रेडरिच एंजल्स तो ये जो दो नाम हैं ये दो फिलोसफर्स के नाम हैं और ये दोनों जो थे इन्होंने एक आ, दोनों ने मिलकर एक जो है वो मार्क्सिज्म की जो थीरी आप लोग पढ़ते भी हैं और आजकल बहुत ज़्यादा मतलब के इसके बारे में खुद भी लोग इंडिविजुअली रीड करते हैं मार्क्सिज्म की थीरी क्रिएट की थी मार्क्सिज्म की थीरी के बारे में इन्होंने लोगों को बताया था मार्क्सिज्म की थीरी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसका नाम है कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो इन दोनों ने एटीन में जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाया था या कह सकते हैं कि बुक लिखी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और ये दोनों जो हैं ये फिलोसफर्स हैं और वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी वो असल में क्या है वो है एक आप कह सकते हैं कि मिलकर इन दोनों ने एक मार्क्सिज्म की जो थीरी थी उसके ऊपर जब काम किया था तो फिर इन्होंने पब्लिश की थी अपनी ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो थीरी थी या जो बुक थी वो अच्छा अब हम 1849 की तरफ जब जाते हैं तो 1849 में क्या हुआ था 1849 में हमारे चार्ल्स टिकन्स जो है राइटर इन्होंने एक और नावल लिखा था डेविड कॉपरफील्ड के नाम से और ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल है असल में आपको फेमस वर्क्स का मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये अभी याद कर लेंगे तो आपको लेटर ऑन इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि कौन से नावल का कौन सा राइटर है और ये किस टाइम ड्यूरेशन में लिखा गया था इससे क्या होता है इससे ये भी होता है कि आपको ख़ुद ब खुद उस नावल की करैक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा हो जाता है ख़ुद ब खुद पता लग जाता है कि इस नावल इसने इस में किस तरह से राइट किया गया है और किस तरह के सोशल इश्यूज के ऊपर बात की है 1850 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ब्रिटिश पब्लिक लिटरेरी एक्ट जो था वो 1850 में जो है वो आ, माना गया था या रेज किया गया था इसमें क्या हुआ था इसमें परमिट कर दिया गया था मीन्स की परमिशन दे, दे, दे दी गई थी पब्लिक लाइब्रेरीज की ठीक है अब यहां से आप ये देखेंगे फर्स्ट पब्लिक लिटरेरी एक्ट जो है ये उस टाइम जो है ये माना गया था 1850 में तो इसका मतलब ये है इससे पहले जो है वो लाइब्रेरीज़ जो थी वो आम पब्लिक के लिए जो है वो ओपन नहीं थी तो इसमें 1850 में जब ये एक्ट जो है ये माना गया इस इसके ऊपर काम हुआ तो जो पब्लिक के लिए हैं लाइब्रेरीज़ वो ओपन की गई थी अब आप कंडीशन खुद देख सकते हैं विक्टोरियन एज की कि आम पब्लिक को लाइब्रेरीज़ में जो है वो अलाउ किया गया था एटीन में जो एक्ट हुआ उसके बाद इससे पहले आम पब्लिक को पब्लिक को लाइब्रेरीज तक जो है वो रसाई हासिल नहीं थी एक और इम्पॉटेंट काम जो 1850 में हुआ है वो है टेनिसन का लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन आपके पोइट हैं इनको बनाया गया था पोइट लॉरेट 1850 में ये बात आप याद रखेंगे कि टेनिसन को पोइट लॉरेट बनाया गया था एटीन में फिर हम बात करेंगे एटीन और एटीन वो है 1853, 1856 ये मैंने आपको लिखा है वॉर ड्यूरेशन है 1853 में वॉर स्टार्ट हुई थी और वो 1856 तक चली थी और उस वॉर का नाम है क्रीमियन वॉर ये जो वॉर थी इस वॉर में क्या हुआ था ये वॉर लड़ी गई थी बिटवीन रशिया और कुछ एलायंस कंट्रीज़ थी उनके दरमियान में और इस वॉर क्रीमियन वॉर जो थी ये लड़ाई लड़ी गई थी बिटवीन रशिया और कुछ एलायंस कंट्रीज़ के दरमिया मीनस के टू से थ्री जो थी वो थी एक उसके अंदर किंगडम था सार्डिनिया का एक फ्रांस का था एक ओटोमन एम्पायर जो है ये तीनों मिलके इन्होंने अलायंस की थी और इन्होंने रशिया के खिलाफ जो वॉर लड़ी थी उसे हम नाम देते हैं क्रीमियन वॉर का क्रीमियन वॉर एटीन में स्टार्ट हुई थी एटीन में इसका एंड हुआ था क्रीमियन वॉर में क्या हुआ था इसमें यह हुआ था कि जो रीज़न मानी जाती है क्रीमियन वॉर की वो ये मानी जाती है। क्रीमियन वॉर की जो रीज़न मानी जाती है कि ये वॉर क्यों हुई थी वो इसलिए हुई थी कि कुछ ऐसा आ, मतलब कहा है जाता है कि इसमें जो रीज़न थी वो ये थी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ जो थी उनको राइट्स माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स थे वो देने के लिए या दिलवाने के लिए ये वॉर जो है ये स्टार्ट की गई थी लेकिन इसमें रशिया जो है वो बहुत बुरी तरह से हार गया था नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट डेट आती है विक्टोरियन एज की वो है 1859 इसमें क्या हुआ था इसमें जो आपको डार्विन चार्ल्स डार्विन आपको अच्छी तरह से इस साइंटिस्ट uh, का पता है इन्होंने एक बुक लिखी थी और ऑफ स्पीशीज़ और ऑफ स्पीशीज़ की जो बुक थी वो भी हमारी विक्टोरियन एज में ही आई थी और ये आई थी एटीन में दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट काम हुआ है एटीन में वो है चार्ल्स डिकन्स का नावल है टेल ऑफ टू सिटीज़ ये नावल भी बहुत फेमस है और ये जो है ये आप लोगों का जो एक आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है ये नावल डिस्कस करता है इशू ऑफ़ फ्रेंच रेवोल्यूशन के किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब कि आपको इसमें डेल ऑफ़ टू सिटीज़ में फ़्रेंच रेवोल्यूशन का नजर आएगा कि क्या हुआ था कैसे हुआ था मतलब कि कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा कि किस तरह से स्टार्ट हुई थी कैसे कैसे क्या क्या, क्या रीजन हुई थी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप ये पढ़ेंगे कि कौन सी ड्यूरेशन में लिखा गया और कब लिखा गया और उसमें राइटर ने किस तरह से लिखा है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन राइटर का स्टाइल ऑफ़ राइटिंग क्या है और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि उसने किस तरह की बुक्स हैं जो राइट की गई हैं नेक्स्ट हमारा है 1860 में इसमें भी चार्ल्स जिकन्स का एक नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये भी बहुत ही फेमस नॉवल है 1876 में यानी कि ये जो वर्क्स हैं ये मैं आपको फेमस वर्क्स बता रही हूँ विक्टोरियन एज के 1876 में क्या हुआ था विक्टोरिया को विक्टोरिया जो है उन्होंने इंडिया जो कि सब कॉन्टिनेंट कहलाता था उसका रूलर जो है उसको नेम दिया था एटीन में एटीन में क्या हुआ था एटीन में एडिसन जो है हमारे एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को ये क्वेश्चन आपको अक्सर अक्सर जब भी आप किसी भी टेस्ट के लिए जाते हैं हो सकता है आपको एमसीक्यूज अगर आए तो उसमें आ जाएं या आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछा जाए या जब भी आपका कोई भी पोस्ट का टेस्ट होगा तो इस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1884 में थर्ड रिफॉर्म एक्ट हुआ था इसमें क्या हुआ था इसमें यह हुआ था कि राइट्स दिए गए थे वोटिंग राइट्स जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ महदूद लोगों के पास थे लेकिन 1884 में जब थर्ड रिफ़ॉर्म एक्ट को माना गया था तस्लीम किया गया था तो वोटिंग राइट्स जो हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए थे यानी कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो दिए गए थे एग्रीकल्चरल जो वर्कर्स थे उनको भी उससे पहले ये राइट्स जो थे वो कुछ लोगों के पास थे लेकिन एटीन के जो थर्ड रिफ़ॉर्म एक्ट था उसके बाद ये एग्रीकल्चर जो वर्कर्स थे उनको ये राइट्स जो हैं वोटिंग राइट्स वो दिए गए थे। अगर हम 1885 की बात करें तो कार्ल्स बेंस जो हैं, उन्होंने इन्वेंशन की थी फर्स्ट ऑटोमोबाइल की यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑटोमोबाइल जो है वो कब जो है वो इन्वेंट हुआ था तो वो 1885 में हुआ था और उनके इन्वेंटर जो हैं वो हैं कार्ल्स बेंस 1891 में फ्री एजुकेशन एक्ट जो है वो माना गया था आया था तस्लीम किया गया था एटीन नाइनटीन में जो कि लास्ट डेट है विक्टोरियन एज की इसमें डेथ हुई थी कोइन विक्टोरिया की और द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया एट द टाइम ऑफ अर डेथ वॉज एटी टू यानी कि जब कोई विक्टोरिया ने क्वीन बनी थी तो उनकी एज थी एटीन ईयर्स और जब उनकी डेथ हुई है तो उनकी एज है एटी टू ईयर्स ठीक है अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज को हम लोग करैक्टरिस्टिक्स uh, थोड़े से डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे विक्टोरियन एज का कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अभी और भी डिस्कस कर सकते हैं इंग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था ड्यूरिंग विक्टोरियन एज वैसे तो इंग्लैंड जो है थ्रू आउट हिस्ट्री कुछ ना कुछ चेंज होता रहा लेकिन विक्टोरियन एज में इंग्लैंड जितना थ्रू आउट हिस्ट्री जितना चेंज चेंजेस इंग्लैंड में आई थी अकेली विक्टोरियन एज में उतनी चेंजेस इंग्लैंड में आ गई थी यानी कि जितना भी स्टार्टिंग से लेकर टू द पीरियड ऑफ विक्टोरियन एज इंग्लैंड में जो जितनी चेंजेस आई थी वो एक तरफ और विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में जितनी चीज़ें चेंजेस आई हैं वो एक तरफ इतनी ज़्यादा चेंज हुई थी विक्टोरियन एज में इंग्लैंड नाइन्टीन सेंचुरी में इंग्लैंड जो है वो अपनी हाइट पर पहुंच गया था और उसको जो है इम्पीरियल पावर का नाम दिया गया था यानी कि विक्टोरियन एज जैसे ही एंड होती है नाइनटीन सेंचुरी स्टार्ट होती है यानी कि आप कह सकते हो कि नाइनटीन सेंचुरी में विक्टोरियन एज में इंग्लैंड जो है उसको नाम दिया गया था इम्पीरियल पावर का बिटवीन 1837 थर्टी सेवन टू नाइनटीन जीरो वन इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन को अगर हम डिस्कस करें तो इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो टू मिलियन तकरीबन मानी जाती है कि जब एटीन थर्टी सेवन की जो डेट्स हैं उस दौरान यानी एटीन थर्टी सेवन से पहले पहले जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन मानी जाती है वो तकरीबन टू मिलियन थी और नाइनटीन ज़ीरो वन तक जब हम इंग्लैंड की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं यानी एटीन थर्टी सेवन से नाइनटीन जीरो वन तक तो हम देखते हैं कि उसमें सिक्स मिलियंस पॉपुलेशन जो है वो हो गई थी यानी कि टू मिलियंस थी 1837 से पहले और जब 1901 में हमने इंग्लैंड की पॉपुलेशन को काउंट किया तो वो सिक्स मिलियन थी इतना रैपिड चेंज आया था इंग्लैंड की पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी इंग्लैंड की पॉपुलेशन अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड ग्रेट प्रोस्पैरिटी फॉर फ्यू बट मेजरीज फॉर द मैसेज अब हुआ ये था कि क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी विक्टोरियन एज में इंग्लैंड के अंदर तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो थी वो कुछ लोगों के लिए उसने बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दिया उनको बहुत ज़्यादा रिच बनाया उनको बहुत ज़्यादा राइट्स दिए लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें मेजॉरिटी लोगों की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत नुकसान हुआ था लोगों को और वो मैसेज थे यानी कि आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो थी लोगों की जो पॉपुलेशन थी मेजॉरिटी थी लोगों की उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी उसमें उसने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था फ़ायदा देने की बजाय इंडस्ट्रीज जो थी इंडस्ट्रीज की जो प्रोग्रेस थी उससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा था ये वही चेंजेस हैं विक्टोरियन एज की जिसकी हम बात कर रहे हैं राइटर्स ऑफ दिस एज वज डिवाइडेड सम सेलिब्रेटेड न्यू एज ऑफ प्रोमेस एंड प्रोग्रेस वेल अदर्स चैलेंज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विद सो मैनी प्रॉब्लम अब देखें जब भी कोई ऐज की बात होगी उसकी लिटरेरी टेक्स्ट की बात होगी उसके राइटर्स की बात होगी तो हम ये देखेंगे कि राइटर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उन चेंजेस से रिगार्डिंग जिस एज में वो थे उस एज से विक्टोरियन एज की हम बात कर रहे हैं तो विक्टोरियन एज में मैंने जिस तरह आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी रैपिड चेंज आई थी विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में ठीक है उसमें आप पॉपुलेशन को भी देख सकते हैं अब हुआ ये था कि बहुत से राइटर्स जिस तरह लोग थे ना कुछ लोगों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत फ़ायदा हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो ज़्यादा तादाद थी लोगों की उनको इस चीज़ से बहुत नुकसान हुआ था इसी तरह राइटर्स जो थे कुछ राइटर्स इस चीज़ को कहते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इससे हमारा कंट्री प्रोग्रेस में जा रहा है हमें फ़ायदा हो रहा है हमारा कंट्री जो है वो आप कह सकते हैं कि सक्सेस की तरफ जा रहा है लेकिन कुछ राइटर्स जो थे वो लोगों की मिजरीज़ को देख रहे थे उनकी कंडीशन को देख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स लोगों के लिए लोगों की लाइफ जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे तो दो पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलते हैं राइटर्स के अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन विक्टोरियन एज जब हम विक्टोरियन टेम्पल की बात करते हैं तो विक्टोरियन जो है यहां पे जो क्वीन विक्टोरिया का था इन विक्टोरियन एज वही विक्टोरियन टेम्पल कंसीडर किया जाता है जिस तरह से क्वीन विक्टोरिया खुद थी अपने आप को दिखाती थी अपने आप को प्रेजेंट करती थी लोगों के सामने वही तमाम की तमाम कंडीशन जो है वो विक्टोरियन टेम्पल की हमें नजर आती है कि यानी कि विक्टोरियन लोग कैसे थे विक्टोरियन सोसाइटी कैसे थी तो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानती थी और डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी पे फोकस करती थी यानी कि डोमेस्टिक सक्सेस के ऊपर फोकस करती थी डोमेस्टिक जो है उनकी वो आ, आप कह सकते हो वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करती थी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करती थी विक्टोरियन एज भी यही तमाम चीज़ें जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करती है लेकिन राइटर्स ने नोटिस किया था इस चीज़ को कि जिस तरह से विक्टोरियन एज में मॉरल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस कर रही ंग को इन विक्टोरिया और डोमेस्टिक प्रोपरटी के ऊपर फोकस हैं इसके साथ साथ क्या था बहुत ज्यादा इमोरल एक्ट्स भी हो रहे थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द चेंजेस और बहुत ज़्यादा इसमें आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा था तो राइटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि विक्टोरियन एज जो थी वो एज ऑफ ट्रांजिशन थी या एयर ऑफ ट्रांजिशन या एयर ऑफ चेंज थी फॉर गुड एंड इल यानी कि अच्छाई के लिए भी चेंज थी और बुराई के लिए भी विक्टोरियन एज जो है वो एक एयर एयर ऑफ ऑफ ट्रांजिशन या चेंज थी दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं अच्छाई भी और बुराई भी इन विक्टोरियन एज जो हमारे क्रिटिक्स हैं या जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने विक्टोरियन एज को थ्री स्टेजेस में डिवाइड किया है एक अर्ली स्टेज है अर्ली विक्टोरियन पीरियड जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे 1830 से वो 1848 है ये बात माइंड में रखें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्ली विक्टोरियन एज की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मिड विक्टोरियन एज की टाइम ड्यूरेशन क्या है और लेटर विक्टोरियन एज की टाइम ड्यूरेशन क्या है इसलिए आपको यहाँ सेपरेट करके बताया है मैंने कि एटीन से फोटी तक अर्ली है फ़ोटी से सेवनटी तक जो है वो मिड विक्टोरियन एरा है और एटीन से नाइन्टीन तक जो है वो लेटर विक्टोरियन एरा है तो ये आपको अब याद रखना है 1890s जो हैं वो हमेशा या अक्सर जो है वो कंसीडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट फेज़ एक इम्पॉर्टेंट टाइम माना जाता है 1890s को बिटवीन विक्टोरियन एरा एंड मॉडर्निज्म क्योंकि आप देखें विक्टोरियन एरा और मॉडर्निज्म जो है वो विक्टोरियन एरा खत्म होता है और मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाती है तो जो एटीन नाइन्टीज़ की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंसिडर किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट या आप कह सकते हैं फेज और इम्पॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन जो कि विक्टोरियन एज की एंडिंग हो रही थी और मॉडर्न modern, मॉडर्निज्म जो है उसकी स्टार्टिंग हो रही थी अर्ली विक्टोरियन एज को अगर हम डिस्कस करें तो दो इम्पॉर्टेंट या मेजर नॉन लिटरेरी इवेंट्स नॉन लिटरेरी का मतलब है कि कोई इसमें आ, राइटिंग्स का कोई लिंक नहीं है इससे यानी कि राइटर्स का पोइट्स का इन इवेंट्स से कोई लिंक नहीं है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट मेजर इवेंट्स हैं जो कि अर्ली विक्टोरियन एज में हुए थे उनमें नंबर वन जो है वो ये है कि पब्लिक रेलवेज जो थी उन्हें एक्सपेंड किया गया था उन्हें एक्सपेंड किया गया था बहुत ही बड़े स्केल पे। इतना बड़ा स्केल था जिसे हम कह सकते हैं कि अनप्रीसिडेंटेड स्केल था ये जिस पर हमें पब्लिक रेलवेज़ को विक्टोरियन एज में एक्सपेंड किया गया था मतलब बढ़ाया गया था अनप्रीसिडेंटेड का मतलब होता है कि कभी इसके बारे में सुना नहीं गया था या कभी इतना बड़ा स्केल सोच भी नहीं सकते थे लोग कि इतने बड़े स्केल के ऊपर रेलवेज़ को फैलाया जा सकता है तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था मेजर इवेंट माना जाता है विक्टु अर्ली विक्टोरियन एज का कि जो रेलवेज़ थी पब्लिक रेलवेज वो भी स्पेसिफिकली इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया था अर्ली विक्टोरियन एज में दूसरा जो एक अहम इवेंट है अर्ली विक्टोरियन एज का है वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ रिफॉर्म बिल इन एटीन ये जो रिफ़ॉर्म बिल इन एटीन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आपने इसके ऊपर फोकस करना है इसमें क्या हुआ था इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वोटिंग राइट्स to the newly industrializing centers यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा industrial ind, industrialization हो रही थी बहुत ज़्यादा progress हो रही थी industrial development हो रही थी progress हो रही थी industry में उस एरिया में या उन एरियाज में जो वोटिंग राइट्स थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्यों क्योंकि पहले जो वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ कुछ लोगों तक थे लेकिन जब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई तो फिर वोटिंग राइट्स को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा और यही है रिफॉर्म बिल इन नाइनटीन ठीक है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एटीन थर्टीज़ से लेके फोर्टीज़ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है जो एरा है जो ये फेज़ है इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ ट्रबल्स क्योंकि डिफरेंट ट्रबल्स जो हैं वो बार बार यानी कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो उठ रही थी क्रिएट हो रही थी ड्यूरिंग एटीन एंड एटीन बिकॉज इंडस्ट्रियल बिकॉज ऑफ़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोग्रेस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स और ज़ाहरी बात है जैसे जैसे तरक्की होगी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे ही आपके जो आ, कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों की आप कह सकते हो कि छुपी हुई ढकी हुई सोशल प्रॉब्लम्स uh, जो हैं और वैसे भी जैसे तरक्की होती है तो न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ऐसी जो पहले कभी नहीं सुनी होती जो सोची भी नहीं जा सकती होती वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पैदा हो रही थी जिसकी वजह से इस एरा को हम कहते हैं एरा ऑफ दाइम ऑफ ट्रबल्स वर्किंग कंडीशन जो थी अर्ली विक्टोरियन एज में वो बहुत ख़राब थी बच्चों के लिए वुमेन के लिए चिल्ड्रेंस के लिए जो माइंस और फैक्ट्रीज़ में काम करते थे उनके लिए ये कंडीशन जो थी जिसमें वो काम करते थे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी अच्छा जो कंडीशन थी बच्चों की वर्किंग कंडीशन या वुमेन की जो वर्किंग कंडीशन थी चाहे वो फैक्ट्रीज हो जाएं चाहे वो माइंस हो जाएं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी मतलब आप कह सकते हो कि नॉट एक्सेप्टेबल थी डेप्लोरेबल नॉट एक्सेप्टेबल वो कंडीशन थी जिसमें उन्हें फ़ोर्स किया जाता था काम करने के लिए ठीक है ये भी एक इशू था बहुत बड़ा विक्टोरियन एज का जैसे ना प्रॉब्लम्स ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी विक्टोरियन एज की एक और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई विक्टोरियन एज में वो ये थी एक ग्रुप था जिसका नाम था चार्टिस्ट ग्रुप ठीक है चार्टिस्ट ग्रुप कह सकते हैं या चार्टिस्ट लोग थे जिन्होंने एक ग्रुप कम कुछ लोग थे जिन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया और फिर उन्होंने उसे चार्टिस्ट ग्रुप्स का नाम दे दिया या चार्टिस्ट मूवमेंट का नाम दे दिया अब ये क्या कर रहे थे इन्होंने फ़ाइट की थी फॉर द राइट्स ऑफ वर्कर्स यानी कि वर्कर्स जो थे उनके राइट्स के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया इन्होंने एक स्टेज बनाया कि हम लोग जो हैं इस हम लोग मतलब आप कह सकते हैं एक इनका एम जो था वो ये था कि हम लोग जो वर्किंग मेल्स हैं फीमेल हैं या जो चिल्ड्रन हैं हमें उनके राइट्स चाहिए क्योंकि जिस कंडीशन में बच्चों को और फीमेल को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था फ़ोर्स किया जा रहा था वो एक्सेप्टेबल नहीं थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इन्होंने ग्रुप बनाया और इन्होंने ये ग्रुप जो था बना इसने कुछ काम किया मतलब काम करने की कोशिश की कुछ इन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह की लेकिन ये ग्रुप जो था ये फेल हो गया ये अपना जो एम था वो हासिल नहीं कर सका ये ग्रुप जो था ये 1848 में जो है ये फेल हुआ था लेकिन क्योंकि इन्होंने एक बुनियाद रख दी ना तो जब बुनियाद रख दी जाती है तो कोई ना कोई उस बुनियाद के ऊपर दोबारा काम करता है तो ये इन्होंने बुनियाद रखी थी जिसके ऊपर दोबारा काम हुआ लेकिन ये जो ग्रुप था चार्टेस्ट ग्रुप जिन्होंने बुनियाद रख दी थी, थी स्टेज सेट कर दिया था ये ग्रुप एटीन में फेल हो गया था ये अपनी जो इनके रिजल्ट थे या जो एम्स थे ये वो हासिल नहीं कर सके थे एनअर रिफॉर्म जो था जो कि अर्ली विक्टोरियन एज में आता है वो है रिपील ऑफ़ कॉर्न लॉज इन 1846 यानी कि जो हमारी फसलें होती हैं जो कॉर्न वीट वगैरह इनके ऊपर एक कॉर्न लॉ के नाम से लॉ आया था जो कि 1846 में अप्लाई किया गया था उसमें क्या था टैक्सेस थे टैक्सेस लगा दिए गए थे फसलों के ऊपर स्पेशली वीट के ऊपर जिसको नाम दिया गया था कॉर्न लॉज का और ये हुआ था इम्प्लीमेंट हुआ था ये 1846 में इससे क्या हुआ था वैसे तो गाड़ी बात है जब टैक्सेस लगे और वो फसलें यहाँ से वहाँ गई वहाँ से वहाँ गई तो उनको वो टैक्सेस अदा करने पड़े लोगों को तो ये इंग्लैंड के अपने लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स जो थे उनके जिनकी फसलें थी उनके लिए तो बहुत फ़ायदा मंद था कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे थे लेकिन हुआ क्या जब एक चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है ना तो वो महंगी हो जाती है जहरी बात है जो यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है और टैक्स के पैसे दे रहा है तो जब वो चीज़ वो बेचेगा तो वो टैक्स के पैसे भी तो उसी अमाउंट में से निकालेगा ना जो चीज़ वो बेच रहा है उसमें से ही तो क्या हुआ जो चीज़ें थी क्योंकि वीट में ने आपको कहा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फूड आइटम था जिसका जिसको हम ब्रेड कहते हैं यानी रोटी जो थी वो उस टैक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई अब जो लोग ऊपर वाले पोजीशंस पे होते हैं उनको तो फ़ायदा हुआ इंग्लैंड सक्सेस की तरफ़ गया इंग्लैंड प्रोग्रेस की तरफ़ गया लेकिन जो मैसेज थे जो पॉपुलेशन थी जो आम लोग थे उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि ब्रेड महंगी हो गई थी जो उनकी बेसिक नेसेसिटी थी वही वो, वो हासिल करने के काबिल नहीं थे और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की वजह से और लेबर जो कंडीशन थी वर्किंग कंडीशन वो भी बहुत बुरी थी तो कंडीशन आप समझ सकते हैं ट्रबल टाइम्स इसीलिए कहा गया था थर्टीज़ और फोटीज़ को क्योंकि इस दौरान जो है आम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी और सॉल्यूशंस नहीं आ रहे थे दो जो राइटर्स थे हमारे अर्ली विक्टोरियन एज के उनका फोकस था लोगों की प्रॉब्लम्स और प्लाइट्स को रियल लाइट में लेके आना उनको लोगों के सामने पेश करना और जो न्यू हमारी अर्बन रियलिटी थी इंग्लैंड की वो यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी इंग्लैंड की उसको भी लाइट में लेके आना यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फोकस था राइटर्स का अर्ली विक्टोरियन एज में वो ये था कि वो लोग दिखा रहे थे कि लोगों की प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड ठीक है आप कह सकते हो कि ये जो था वो बेसिक कंसेप्ट था जिसके ऊपर राइटर्स जो हैं वो अर्ली विक्टोरियन राइटर्स काम कर रहे थे कि किस किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे लोगों को अपनी जो एक डेली नेसेसिटीज़ हैं वही हासिल नहीं हो रही और उसकी मेन रीज़न क्या है इंडस्ट्रलाइजेशन है इंग्लैंड की मैनी राइटर्स कमेंट्स दैट वॉट हैड इमर्ज सीम्स टू बी टू इंग्लैंड और एक बहुत ही फेमस जो एक आप कह सकते हैं कि निचोड़ था उस टाइम के अर्ली विक्टोरियन राइटर्स का वो ये था कि कहते थे कि हमें लग रहा है यानी कि राइटर्स ये कहते थे कि वो फील कर रहे हैं कि जिस तरह से दो हो गए इंग्लैंड इंग्लैंड के दो पार्ट्स हो गए हैं या दो इंग्लैंड सामने आ रहे हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोलेश इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंग्लैंड की और वो ये हैं कि एक तो है इंग्लैंड जो कि वेल्दी लोगों के लिए जो कि इंडस्ट्र जो आपके अमीर लोग होते हैं उनके लिए जिनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वो सक्सेस पे जा रहे हैं वो लोग और प्रोग्रेस कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं और दूसरा जो है वो है पुअर लोगों के लिए वो लोग जिनको डेली दे, की जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो उनकी होती है वो भी नहीं मिल रही तो वो यही कह रहे थे कि हमें जो है इस वक्त इंग्लैंड दो हिस्सों में नज़र आ रहा है या दो तरह के इंग्लैंड नज़र आ रहे हैं एक वो जिसमें लोग बहुत खुशहाल हैं बहुत अमीर हैं उन्हें कोई मसला नहीं है और दूसरा वो जिसमें लोग बहुत ही गरीब हैं और उन्हें डेली की जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं, वो भी नहीं मिल रही आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थैंक यू